फाइनली भाई ने डाल लिया, जल्दी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, बहुत सारा बात है। इसको सारा मार। तो अभी 2 बजने वाला है और हम लोग के साथ में कौन ज्वाइन हुआ है देखिए। विकास भाई देखिए यहाँ पे ना टेंट लगाए हैं। 8:18 हो रहा है रात का और अभी हम लोग का बंदा है। देखते हैं चलिए बाहर में, रुको 1 मिनट, आप अंदर ही रुको। देख सकते हैं विकास भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मजा और देख रहे हैं भाई सब रील्स बनाने के लिए। रील्स बन रहा है भाई सबका, देख रहे हैं। प्रॉब्लम बढ़ गई है वो ये कि इसका मतलब ये पंचर हो गया है, इसका जो ट्यूब है अंदर में वो कट गया है क्योंकि टायर पुराना हो गया है, तो टायर एक जगह से कटा हुआ ये रहा यहाँ से, तो यहीं पे ट्यूब अंदर में कट गया है, टायर पुराना हो गया ना। फिलहाल अभी पंचर बना देते हैं तो उस जगह पे मोटा हो जाएगा, तो शायद नहीं होगा पंचर, अभी वही करते हैं, फटाफट से पंचर बनाते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। पंचर बना दिए हैं साइकिल का, अभी पूरा फिनिश हो गया है और अभी ठीक है, अब आगे देखते हैं, बाबा के आशीर्वाद से सही रहे, कोई दिक्कत ना हो, अभी सही है। मेरा हालत थोड़ा सा सही हुआ है, हालत खराब हो गया तो क्या होगा, आगे नहीं हुआ, लेकिन ऊपर में कोई चांस नहीं है मिलने का टायर, अब देखते हैं। मस्त व्यू आने वाला है, नीचे देख सकते हैं, अभी सिर्फ उतरना है, अभी सिर्फ और सिर्फ उतरना है यहाँ से चंबा। व्यू तो मस्त आ रहा होगा, आप सभी को सामने देख सकते हैं भाई साहब, पूरा काला का काला बादल। आप भी रुक गए थे विकास भैया पीछे, और चलिए सामने में, मतलब जहाँ पे रुकते हैं वहां पे एक बात बताते हैं आप सभी को, क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो अभी चंबा से नीचे उतर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग गेस कर लिए होंगे। विष्णु भाई आगे आगे, ओ भाई साहब बहुत ही मस्त रोड है, बहुत ही मस्त रोड है, बहुत ही मजा आ रहा है जो बात है, लेकिन चढ़ाने में हालत खराब होती है, तो चलिए आगे बताते हैं जो हम लोग के साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है। हम मेरे जय हिंद।
तो मेरे साथ तो ये हुआ था, चक्का पंचर हो गई थी आगे का, पंचर नहीं हुई थी, वो ट्यूब थोड़ा सा कटा हुआ है ना, तो वो मतलब रगड़ रगड़ करके वो कट गया था ट्यूब अंदर का, पंचर नहीं हुई थी, रगड़ रगड़ करके ट्यूब कट गया था, कहीं कील वील कुछ नहीं हुआ था कील वील से, वो टायर जो है ना थोड़ा सा फटा हुआ है, तो वहीं से दोनों का कोड होता है ना वो कट कट कर गया है, 40 किलो घर का दिया तेरा कौन बन जाएगा, बिल्कुल। तो मस्त व्यू आ रहा है आज, थोड़ा सा एंगल चेंज किया हूँ अपने चेस्ट बेल्ट का, थोड़ा सा मॉडिफाई किया हूँ अपने हिसाब से मॉडिफाई किया हूँ, तो काफी मस्त लग रहा है। ये वाला देखे थे, ये वाला हाँ हाँ, यहाँ से 40 किलोमीटर नीचे जाना है, 40 किलोमीटर अब देखिए आज तो पार कर लेंगे, और यहाँ पे टनल आया है, ये यात्रा में पहली बार टनल आया है, यात्रा में पहली बार टनल है, पैडल लगाना पड़ेगा पैडल। भाई साहब अभी टनल में है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, अभी टनल से होकर के जा रहा हूँ, हर हर महादेव, अभी तक की सोच रहे थे तो टनल क्यों नहीं आ रहा, एक भी अभी तक नहीं टकराया था, लेकिन फाइनली अभी टकरा गया, मजा ही मजा आ गया भाई साहब टनल में, आगे चढ़ाई आ गई भाई 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 भाई, भाई। आगे चढ़ाई आ गई, बोले 30-40 किलोमीटर ढलाई है, ओए हे ओए, ओ भाई इतना सी चढ़ाने में हालत खराब हो गई, ओहो तो यहाँ से उतार ही उतार है, ओ भाई साहब थोड़ा सा पैदल चढ़ा है, सांस फूलने लगा है, ओहो पूरा नीचे है पूरा, ओहो सामने विकास भैया देख रहे हैं बहुत साथ दे रहे हैं, उतरने का अभी वो तो अपन अच्छा जगह देख कर कैंप कर लेंगे, चलो चलो चलते हैं, 50-40 किलोमीटर के बाद चला यहाँ पे अपन रन, जैसे अभी चलिए गाड़ी बंद में ना, हाँ पेट्रोल बचाना है पेट्रोल, ओहो थोड़ा सा चढ़ाए हैं फिर थोड़ा सा अभी उतरना है, हर हर महादेव ब्रो, यहाँ पे जितना पुराना मॉडल गाड़ी सब है ना, सब है यहाँ पे उत्तराखंड में, जितना पुराना मॉडल चार चक्का सारा, जितना पुराना मॉडल सब है, सब है उत्तराखंड में देख रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी के अलावा यहाँ पे साइकिल का कोई काम नहीं है ना, इसलिए जितना से जितना पुराना गाड़ी होता है रखा रहता है यहाँ पे, मतलब सब चल रहा है यहाँ पे, मस्त 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 लग रहा है अभी भाई साहब, बहुत उतार अभी तो पूरा उतार उतारना ही उतरना है भाई, मेरा बाबा विश्वकर्मा जी साथ दे दे, इसमें तो मेरा गलती है, मेरे को टायर चेंज करवा लेना चाहिए था, मैं टायर चेंज नहीं करवाया, मुझे लगा तो होगा नहीं, लेकिन जो बात है कुछ तो हो नहीं, पंचर तो नहीं हो रहा है, वो ट्यूब कट गया है उससे, हमको लगा था उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, चल जाएगा आराम से, दुकान में भी दिखाए थे तो बोला आराम से चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, हवा फुल करके रखना, तो हवा फुल ही था फिर भी पता नहीं कैसे हो गया, दुकान वाला बोलता था बदलवाना पड़ेगा तो बदलवा लेते, दो जगह दिखाए तो बोला जो नहीं चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए नहीं चेंज करवाए, नहीं तो चेंज करवा लेते हम पक्का। तो अभी रात के 7:30 बज रहे हैं और हम लोग क्या लगाए हैं पता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ना टेंट लगाए हैं, ये रहा विष्णु भाई वाला और ये विकास भाई वाला, अभी सामान लेने के लिए गए मार्केट में, ओह बाकी का व्यू जो कल सामने वाला व्यू आने वाला है ना, कल क्या बताएं गजब का व्यू आएगा, लाइट सब जो दिख रहा है ना, ये चंबा सिटी गजब का व्यू आने वाला है, गजब का व्यू आएगा कल, मतलब क्या बताएं मॉर्निंग में गजब का व्यू आएगा,
तो दिनेश भाई अभी लाइट मतलब लाइटमैन बने हुए हैं मेरे लिए तो बहुत ही मस्त लग रहा है अभी, बहुत ही मस्त लग रहा है। और सुबह में ना मस्त व्यू आएगा, सुबह में दिखाएंगे ये तो मतलब हाँ, इसी ब्लॉग में दिखाएंगे आप सभी को सुबह में, क्योंकि ये ज्यादा लंबा ब्लॉग नहीं है, इसी ब्लॉग में आप सभी को कल दिखाएंगे और कल ही एंडिंग करेंगे इस ब्लॉग को, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अभी और सब मैगी सब बनाएंगे ना, सारा कुछ दिखाएंगे आप सभी को, ठीक है। तो अभी 8:18 हो रहा है रात का और अभी हम लोग का बनता है मैगी और मैं बना रहा हूँ मैगी यहाँ पे और विष्णु भाई अपना टाइमलेस ले रहा है यहाँ पे और देख रहे हैं वहाँ पे एक ये है रूम है, एक हम लोग का रूम यहाँ पे है, किचन है अपना। ये किचन है छोटा सा जो कि मेरे हवाले कर दिया है इससे पहले ये खाए थे ब्रेड और ये जैम लगा करके, परोठा आपने परोठा पहले पराठा खाए फिर नमकीन खाए फिर ब्रेड और जैम लगा कर खाए उसके बाद में खाएंगे। किचन से आया अभी बनना है मैगी तो मस्त मैगी बना के खाएंगे, तीन डाला हूँ इसमें, नहीं होगा तो और है ना, देख रहे हैं भरा हुआ है और फिर इसमें बहुत है बहुत है। 9:30 और अभी सब कोई खाना वाना खा करके सोने आ गए हैं, विष्णु भाई विकास भाई और दिनेश भाई उसमें टेंट में और इस टेंट में मैं अकेला सो रहा हूँ, ठीक है विष्णु भाई। हाँ भाई वही देख रहे हैं आवाज टन टन कर रहा है देख रहे हैं और हवा भी बहुत तेज है बट अंदर में प्रभाव में नहीं पड़ रहा है उसका, देख रहे कितना ये हो रहा है देखिए, तो मस्त लग रहा है सोने में और अभी सोते हैं आराम से और सुबह मिलते हैं मस्त मस्त व्यू के साथ में सभी से, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट बाय बाय। अभी सुबह के 8:40 हो रहा है और अभी उठे हैं 10-15 पहले और अभी का व्यू देखते हैं, चलिए बाहर में रुको एक मिनट आप अंदर ही रुको एक देख सकते हैं बोल देना टाइम ओ भाई साहब रुको एक मिनट देख सकते हैं व्यू गजब का व्यू है ना, भी भाई साहब ये देखिए टेंट सब। विकास भैया गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मजा और देख रहे हैं भाई सब रील्स बनाने के लिए रील्स बन रहा है भाई सबका देख रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते क्या बताएं इतना मस्त व्यू लग रहा है ना यहाँ से देख सकते हैं कितना गजब का व्यू लग रहा है, बहुत ही लग रहा है। और रात में बारिश हो गई थी ना, रात में बारिश हो गई थी तो इसमें मैं सोया था अकेले तो इसमें से उठ करके मुझे इसमें जाना पड़ा रात में, हल्का फल्का हो रही है इसमें थोड़ा मोड़ा आने लगा, ये उतना पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता मतलब निकाल देता है पानी अंदर तो चले गए थे उस, वो मस्त है डिकैथलॉन का है ना वो गजब का है तो उसमें जाकर के चारों आदमी सोए थे लेकिन भाई साहब मजा आया सो करके। ओहो सूरज निकल गया, मैं तो 8:30 निकला हूँ ये अभी निकले हैं अभी अब ज्यादा कुछ नहीं होगा, अभी आराम से बैठते हैं अंदर में और चाय बनाते हैं, मस्त चाय और ब्रेड खाएंगे, मस्त लगेगा खाने में देखते हैं, बैठते हैं अंदर में और चाय बनाते हैं। विष्णु को पता है मैं क्या बोलने इसको, ए विष्णु जरा करोड़ धोके लगे आओ चाय बनाते हैं जल्दी लगे आओ, अभी चाय नहीं बनेगा थोड़ा फ्रेश होकर आने दो अंदर जाना चाहिए। तो भी मस्त चाय चल रहा है, देख रहे चाय किस में पी रहे हैं, तीन कप था तो तीनों भाई को दे दिए कप तो मैं इसमें पी रहा हूँ, देख रहे बहुत मस्त लग रहा है, अभी चाय बनाया हूँ ऐसे गैस पड़ा हुआ है अंदर में देख रहे हैं वैसे पड़ा हुआ है और 10 बज गया है आज बहुत लेट हो रहा है 10 बज गया है, मौसम ऐसा हो गया ना इसलिए, तो अभी यहाँ से निकलेंगे चाय वाय पी करके बहुत मस्त लग रहा है चाय काला मतलब जीरा वाला चाय है। विष्णु कैसा है? एकदम बढ़िया भाई मजा आ गया, नींबू 4-5 कैरी करेंगे ले लेंगे। कैसा है भाई? सच्चा यार विकास भाई तो पिए नहीं अभी, वो ठंडा करके पियेंगे गजब लग रहा है जो बात है गजब का व्यू लग रहा है और यहाँ पे सामने में चाय ओ हो गजब। तो यहाँ पे अंकल लोग हैं उन सबसे बात करता हूँ, अंकल हम लोग को देखकर कैसा लग रहा है आप सभी को, साइकिल से आया हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी हो रही है जितने पर्यटक यहाँ पर आते हैं ना, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे दरवाजे पे भगवान खुद आ रहे हैं, ठीक है ना, भगवान के दरवाजे पे आप आ रहे हैं और
ठीक है ना। तो इन्हीं अंकल के छत पे लगाए थे टेंट, बहुत ही अच्छा लगा। आप हम लोग को रहने ठहरने के लिए जगह दिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। आप सबसे मिल करके भी बहुत अच्छा लगा। विकास भाई यो मजा आ गया रात को सो के कैंप में, बहुत ही अच्छा। तो अभी हम लोग यहाँ से सामान सब पैक करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। तो आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा, ये सब व्यू देखकर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मैथिली। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।